इतनी जोर की प्यास लगी है, लेकिन तुम्हें यहाँ पानी कहाँ मिलेगा मोटू? अरे मोटू, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, हो रहा कुआं। अरे भाई, इसका पानी मत पियो, वरना तुम्हारी जुबान शैतानी हो जाएगी और जो भी बोलोगे वो बुरा हो जाएगा। ऐसे भला कैसे हो जाएगा? तुम झूठ बोल रहे हो। भाई, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूं? तुम्हें तो मैं जानता तक नहीं हूँ। मैंने इसका पानी जब से पिया है, तब से मेरी जुबान शैतानी हो गई है। मैं जो कुछ कहता हूँ वही हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे सिर पर अंडा पड़े। मार दिया! यहाँ तो सच में अंडा मेरे सिर पे गिरा, लेकिन कैसे गिरा, कहाँ से गिरा? यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, अब तो मैं कुछ बोलने से भी डरता हूँ। अगर मैं कहूँगा कि तुम्हारे ऊपर पत्थर पड़े, तो पत्थर पड़ने लगेंगे। ओह नहीं, ये तो सचमुच होता है। अब मेरी जुबान भी शैतानी जुबान हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? भाई, मेरी जुबान का कोई इलाज नहीं। जाओ जाओ, अब तुम कभी इधर मत आना। अगर मैं बोल दूंगा तोप का गोला। चुप रहो, मत बोलो मत बोलो। अब तुम मुझे तोप के गोले से भी उड़वा दोगे। जा, मैं जाता हूँ। सज्जन सिंह, अगर हम ऐसे ही लोगों को डरा डरा के यहाँ से भगाते रहे, तो हमारी नकली नोट बनाने की फैक्ट्री को कोई नहीं देख पाएगा और हमें पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी। सज्जन और दुर्जन की जोड़ी को वैसे भी कोई नहीं पकड़ सकता। जुबान शैतानी जुबान हो गई है। क्या तुम्हारी जुबान शैतानी हो गई? अरे दिन में कोई बुरा सपना देख के उठे हो क्या? नहीं पतलू, कोई सपना नहीं, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। आते हुए रास्ते में मुझे जोर की प्यास लगी। अरे भाई, इसका पानी मत पियो, वरना तुम्हारी जुबान शैतानी हो जाएगी। मोटू मोटू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है, बेकार की बातें हैं। नहीं नहीं पतलू, ऐसा होता है, वो झूठ नहीं बोला। अरे वो आदमी तो मुझे जानता भी नहीं। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये कुर्सी टूट जाएगी, तो ये कुर्सी टूट जाएगी। देखा पतलू, मेरी जुबान शैतानी हो गई है, मैंने कहा और वो हो गया। अरे मोटू, ये तो पहले से ही टूटी हुई थी। अरे नहीं पतलू, ये मेरी शैतानी जुबान की वजह से टूटी है। पतलू, मुझसे दूर रहो, मेरी जुबान शैतानी हो गई है। चिंगम सर, मोटू कहता है कि उसकी जुबान शैतानी हो गई है, वो जो भी बुरा बोलता है हो जाता है। वो अगर बोल दे कि तुम्हारे सिर पे नारियल गिरेगा, तो नारियल गिर जाएगा। अरे माँ, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस केस को सॉल्व करके रहूंगा। चिंगम सर चलो, मोटू को बचाना है, वो बहुत दुखी है, जो हो रहा है वो इत्तेफाक से हो रहा है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब उसकी शैतानी जुबान की वजह से हो रहा है। इसे यहाँ से नहीं हटाया तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अब दूर जाकर इसे रिमोट से ब्लास्ट कर देंगे, नीचे का पत्थर टूट जाएगा और चट्टान लुढ़क जाएगी। हाँ, अब मैं दोस्तों से दूर रहूंगा, ताकि मेरी शैतानी जुबान से उन्हें कोई नुकसान ना हो। अरे मोटू, ये जो भी हो रहा है वो तुम्हारी जुबान की वजह से नहीं हो रहा है। देखो, वो कुर्सी जो टूटी थी, अरे वो तो पहले से ही टूटी थी, मैंने गम से जोड़ी थी कि तुम अगर बैठ गए। अरे भाई मोटू, इसमें तुम्हारी जुबान का कोई लेना देना नहीं है। अरे मोटू, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो अब भी तुम कुछ बोलो, देखता हूँ क्या बुरा होता है। ओके ठीक है, ये बड़ी चट्टान नीचे लुढ़क। इसकी जुबान सचमुच में शैतानी हो गई है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सर, पहले आप खुद को बचाओ सर। ये मोटू को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देख लिया ना, मेरी जुबान कितनी शैतानी है। मोटू, समोसे कैसे लगे? अच्छे है ना? बोलो बोलो मोटू, कुछ तो बोलो। अरे कब तक मुंह बंद किए रहोगे, बोल दो। आइडिया मोटू, चलो हम उस कुएं के पास चलते हैं।
पानी पी लिया और अब मैं कहता हूँ कि ये पेड़ गिर जाएगा। देखो नहीं गिरा ना, और अब मैं ये बोलता हूँ बिजली गिर जाए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, चिंगम सर के सिर पर नारियल गिर जाए। कैसी बात करते हो? अब मुझे यकीन हो गया कि शैतानी जुबान की बात बिल्कुल झूठी थी। ये सब इत्तेफाक से हो रहा था, लेकिन फिर उस आदमी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? शायद वो लोगों को कुएं से दूर रखना चाहता हो। इस कुएं में कुछ हो सकता है। चिंगम सर देखिए, कोई कुएं में उतरता है, एक नहीं कई लोग। वो देखो दीवार पे जूते के निशान, हम नीचे जाके चेक करते हैं, आप ऊपर नजर रखो। अरे दोस्त, मेरी जुबान शैतानी हो गई है और अब मैं खुद शैतान बनके तुम्हारी इस नकली नोटों की फैक्ट्री को बर्बाद कर दूंगा। सज्जन और दुर्जन की जोड़ी को कोई नहीं पकड़ सकता। साथियों अटैक। अरे तुमने अभी मोटू और पतलू की जोड़ी देखी कहाँ है? अब देख लो, पतलू अटैक। दर्द हुआ? बहुत हुआ। बस करो बस करो, मोटू पतलू की जोड़ी के आगे किसी की जोड़ी नहीं चल सकती। वी सरेंडर। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मोटू पतलू, तुमने नकली नोट बनाने का कारखाना पकड़वा दिया, मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाऊंगा। मोटू, अब फिर कभी इस तरह के अंधविश्वास की बातों पर यकीन मत करना।